डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से बीएमओ तथा एसएमओ ने हिस्सा लिया है। बैठक में विभिन्न योजनाओं का रिव्यू करने के अलावा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ सहारा योजना में कांगड़ा जिला में अभी तक 240 मरीजों को सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारा योजना के तहत पात्र मरीजों को आवेदन प्रपत्र आशा वर्कर के तहत भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ पात्र मरीज आवेदन कर सकता है। साथ ही मरीज का आवेदन प्रपत्र भरने पर आशा वर्कर को भी 200 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के तहत 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक नए परिवारों का पंजीकरण व पुराने कार्डों को रिन्यू किया गया। इस योजना के तहत अभी तक 15,085 कार्ड धारकों को उपचार की सुविधा प्राप्त करवाई गई, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के बीएमओ एवं एसएमओ ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न योजनाओं का रिव्यू करने के अलावा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम कटोच, एमएस टांडा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भारद्वाज, एमएस धर्मशाला डॉक्टर दिनेश महाजन, एमएस पालमपुर डॉक्टर विनय महाजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेश सूद, डॉक्टर आराधना, डॉक्टर राहुल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि हिमकेयर योजना के तहत कोई भी समस्या पेश आने पर कार्ड के पीछे लिखे टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही संस्थाओं में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत मरीजों को दवाई भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत हेल्थ सब सेंटर में 43, पीएचसी में 106, सीएचसी व सिविल अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में 330 प्रकार की दवाइयां निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में 11 वर्ग के मरीजों को फ्री डायग्नोस्टिक की भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जिनमें 56 प्रकार के टेस्ट निशुल्क भी किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लोगों के लाभ के लिए जो स्वास्थ्य क्षेत्र में स्कीम्स चला जा रही हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए और सरकार द्वारा इस बारे में क्या बढ़ चढ़कर कदम उठाए गए हैं, इस बारे में हमारा मेन फोकस है। एट प्रेजेंट सरकार का, हिमाचल सरकार इकलौती सरकार है सारे देश में जिन्होंने सहारा योजना नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें 8 चिन्हित बीमारियों में जो मरीज क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हैं उन पेशेंट्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में 2000 पर मंथ के हिसाब से राशि उनके अकाउंट में डाली जाएगी उनकी जीवन यापन के लिए। इसमें एक ही कंडीशन है, हिमाचल का बोनाफाइड होना चाहिए और साथ में या तो वो बीपीएल फैमिली से होना चाहिए या उस परिवार की इनकम 4 लाख पर वर्ष से कम होनी चाहिए। बीमारियां हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रीनल फेलियर, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, पैरालिसिस, पार्किंसनिज्म या ऐसी कोई बीमारी जिसमें वो अपनी रोजी रोटी कमाने में अक्षम हो।